तो आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या लगेगा। फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि एमपी वगैरह अपडेट होती है कि नहीं होती। एमपी में जो है 22 ऑर्डर 22 के प्रावधान कहाँ तक लागू होते हैं, इसके अंदर समय सीमा की कोई बात होती है कि थोड़ा बहुत मेहनत करते इस कंप्यूटर के अलावा कुछ एक आध किताब विताब ढूंढते तो मिल जाता। अब इसको लेके आगे खड़े हो गए, आपके हाथ में एक बुक तक नहीं है, क्यों करें आपका आवेदन अलग, क्यों नहीं इसी आधार पर खारिज कर दें, बिकॉज दिस इज डिफेक्टिव। Well, the reason the delay has been explained in detail, my lord. थोड़ा सा मेहनत करना सीखिए, फाइल वाइल हाथ में लेकर आया करिए। No, see, मैं please, इसको रोक please. नहीं रहा आपको इससे जो है, लेकिन केवल इससे आपका जीवन नहीं चलेगा। खाली हाथ आना खाली हाथ जाना ठीक है, हर आदमी खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लेकिन कोर्ट में जो है फाइल के साथ वकील अच्छा लगता है। बताइए, ये तो आपका डिफेक्टिव है मुकदमा। यू हैव नॉट इवन प्रेड फॉर कंडोनेशन ऑफ द एडवाइस, वेदर यू शुड बी ग्रांटेड टाइम टू फाइल द एप्लीकेशन, विच इज द जजमेंट इन विच यू शुड बी ग्रांटेड टाइम टू फाइल द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द कंपटीशन एक्ट, विच इज दैट जजमेंट। सपोज यू हैव नॉट फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, वेदर वी कैन रिजेक्ट दिस पिटीशन और यू शुड बी ग्रांटेड टाइम। कौन In the interest of सा justice. जजमेंट? इन द इंटरेस्ट? नहीं, आप तो कानून से बात करो, हमें जजमेंट दिखाओ। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में भीख मांगने का काम मत करो, I will file, my lord, and इन द if you इंटरेस्ट will. ऑफ जस्टिस की जो है बैगिंग मत करो। कानून हाथ में लेकर खड़े हो और अपने राइट्स को बताइए कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में कह दिया है, हमें तो आपको देना नहीं पड़ेगा, ऐसे बोलिए। इन द इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ जस्टिस कर दीजिए, धारा 151 में सब दे दीजिए। ये हाईकोर्ट की वकालत नहीं होती है, या तहसील में जाके वकालत करो, हर काम 151 में करो। टाइम लिमिट में 22 चार नहीं लगा पाए थे, इसलिए अवेटमेंट की फाइल की है और उसमें डिले लीव हुआ रख था। के इसको 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते बाद लगा रहे हैं। ठीक है।